हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम थिंकेबल में एक पॉन्ग गेम कैसे बना सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक बोर्ड है जिस पे जब बॉल टकराती है तो ऊपर चली जाती है। और यहाँ पर स्कोर देख सकते हैं आप, जो कि अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बनाना सीखेंगे और अगली वीडियो में सीखेंगे कि इसमें हम गेम ओवर कैसे कर सकते हैं और स्कोर को अपडेट कैसे करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम इस चीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका नाम है app.thinkable.com। ऐप पर जाकर क्रिएट न्यू ऐप, और आप अपने ऐप का यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ पोंग गेम 2, क्योंकि एक मैंने पहले ही बना रखा है। और इसके बाद ये हमारे ऐप की स्क्रीन लोड होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही आप स्क्रीन लोड हो जाएगी तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको सबसे पहले जाना है ड्राइंग एंड एनिमेशन पे, वहाँ से आपको एक कैनवास ले लेना है। कैनवास की हाइट आप रख सकते हैं फिल पेरेंट, और वेथ भी फिल पेरेंट। और एक ड्राइंग एंड एनिमेशन में से आप एक बॉल सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। इस बॉल का साइज थोड़ा इंक्रीज करने के लिए मैं इसका रेडियस 10 कर देता हूँ। आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और ज़्यादा कम भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह से मैंने 10 कर दिया। हम चाहते हैं कि हम हमारी बॉल मूव करें। अपनी बॉल को मूव कराने के लिए हमें इसे कुछ स्पीड देनी पड़ेगी, और यहाँ पर मैं स्पीड भी इसे 10 की दे देता हूँ। यहाँ पर एक्स और वाई डिटरमाइन करता है कि हम जब हमारी स्क्रीन स्टार्ट होगी तो हमारी बॉल कहाँ पर होगी। अगर मैं इसे कर देता हूँ 110, तो जब हमारी ज़्यादा फर्क नहीं आया, इसे 200 कर देता हूँ, तो जब हमारी स्क्रीन स्टार्ट होगी तो बॉल हमारी यहाँ पर दिखाई देगी जहाँ पर ये इस टाइम है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सेट करना चाहें कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट चीज हमें लेनी है वो लेनी है इमेज स्प्राइट। इमेज स्प्राइट को लेने के बाद हम इसमें एक फोटो ऐड करेंगे, यानी कि जो हमारा पोर्ट होगा। पोर्ट मतलब जैसे कि हमारे पास ये मेरा पोर्ट है, आप कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बोर्ड के लिए, जिस पर टकराने के बाद बॉल वापस जाएगी, तो आप उसके लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने ऐसी एक इमेज ले रखी है और मैं उसे यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ थिंकेबल में। इमेज स्प्राइट पे क्लिक करने के बाद एक पिक्चर को मैं अपलोड कर देता हूँ। फाइल चूज करूँगा, और ये मेरे पास ये पिक्चर है, इसे मैं ओपन कर दूंगा और ओके। और ये मेरी इमेज अपलोड हो रही है, और इमेज अपलोड हो चुकी है। और हम इसका लेआउट थोड़ा सही करेंगे, हाइट कर देते हैं इसकी 50 पिक्सल की, और विड्थ कर देते हैं लगभग 150 पिक्सल की। जब मेरा गेम स्टार्ट हो तो मैं अपने इस बोर्ड को कहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, तो उसको भी मैं इसके एक्स और वाई से डिसाइड कर सकता हूँ। अगर इसका एक्स कर देता हूँ मैं 27, तो ये थोड़ा यहाँ पर आ जाएगा। और मैं अगर अपनी इमेज को थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो मैं इसे लगभग 190 कर देता हूँ, और इमेज मेरी थोड़ी ऊपर चली जाएगी। इतना करने के बाद हम इसके ब्लॉक्स पार्ट में चलते हैं। ब्लॉक्स में जाने के बाद हम बॉल पे क्लिक करेंगे, और व्हेन बॉल वन डॉट एच, जब हमारी बॉल की रीच हो जाए। एच रीच हो जाए मतलब ये जो बॉल का आप कॉर्नर देख रहे हैं स्क्रीन का, जब बॉल यहाँ पर टकराए तो बॉल का क्या होना चाहिए। तो हम बॉल पे दोबारा क्लिक करेंगे बॉल वन पे, और यहाँ से ले लेंगे सेट बॉल वन डॉट हेडिंग टू। हेडिंग का मतलब है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बॉल जानी चाहिए। और
मैथ में जाने के बाद एक रैंडम इंटीजर ले लेते हैं, रैंडम इंटीजर। तो यहाँ पर हमें अभी 1 to 100 दिखाई दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी बॉल है वो जब एच रीच करे तो कोई सी अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो, ना कि जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है और सीधा उसी डायरेक्शन में जाती रहे। जब बॉल कोलाइड करती है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा -360, क्योंकि जो हमारा एंगल होता है वो अगर हम देखें तो 360 डिग्री का हम टोटल मानते हैं, किसी भी चीज़ को 360 डिग्री का माना जाता है। जो पूरी स्क्रीन है वो 360 डिग्री के एंगल में डिवाइडेड है। मैं इसे माइनस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में जाए, -360 to 0। या तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगी लेकिन उसी डायरेक्शन में आगे नहीं जा पाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉल आगे जाएगी। हम फिर दोबारा बॉल वन पे क्लिक करेंगे और यहां से ले लेंगे व्हेन बॉल वन डॉट कोलाइडेड विथ। जब हमारी बॉल किसी चीज के साथ कोलाइड करे, और यहाँ पे कोलाइड करने के लिए हमारे पास है हमारी इमेज स्प्राइट। तो फिर से हम अपनी बॉल की डायरेक्शन चेंज करवाएंगे, अपनी बॉल की हेडिंग चेंज करवाएंगे। उसके लिए हम लेंगे सेट बॉल वन डॉट हेडिंग टू। हम चाहते हैं कि जब हमारी बॉल हमारी इमेज स्प्राइट से कोलाइड करे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब बॉल कोलाइड करती है इमेज स्प्राइट से तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक मैथ में जाके एक सबस्ट्रैक्शन का साइन, और यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एक मैथ का ब्लॉक 360 माइनस जो हमारी बॉल की डायरेक्शन है। तो हम यहाँ से ले लेंगे बॉल वन डॉट हेडिंग। इससे होगा क्या कि जो हमारी बॉल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। जो 360 में से हम माइनस कर रहे हैं जो जो भी हमारी बॉल की डायरेक्शन है। अगर हमारी बॉल की डायरेक्शन 120 है तो हमारी बॉल की नई डायरेक्शन 240 बन जाएगी। इतना करने के बाद हम अपने बोर्ड, यानी जिससे भी हमारा जो बोर्ड है जिससे बॉल टकराएगी, जिसके बाद हमारे पॉइंट इंक्रीज होंगे, उसको भी हमें मूव करवाना है। उसके लिए हम ले लेंगे वेन कन्वर्स वन डॉट टच्ड। जब कोई कन्वर्स वन पे टच करे हम, वेन कन्वर्स वन डॉट टच्ड, जब हमारे कन्वर्स वन पे टच होगा, ये रुक गया बीच में, वेन कन्वर्स वन डॉट टच्ड सेट इमेज सेट इमेज स्प्राइट वन डॉट एक्स टू। तो हम यहां से ले लेंगे सेट इमेज वन स्प्राइट डॉट एक्स टू। और यहाँ से हम यहाँ पे एक्स के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपना माउस रखेंगे और यहाँ से ले लेंगे गेट एक्स। चलिए इतने इस ऐप को हम टेस्ट करके देखते हैं। मैं इसे सेव कर रहा हूँ और फिर इसे टेस्ट करके देखता हूँ। ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसे मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि जो हमने अभी तक ऐप बनाया है वो सही काम कर रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं जब बॉल कोलाइड करती है तो वो मूव करती है, और देखते हैं तो वो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है इस टाइम हमारी बॉल। और जब वो नीचे आ रही है तो हम अपना बोर्ड को भी मूव कर सकते हैं, और जब बोर्ड से बॉल कोलाइड करती है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसमें पॉइंट कैसे ऐड कर सकते हैं, और जब बॉल बोर्ड के नीचे जाएगी तो हम अपना
गेम ओवर कैसे दिखाएंगे बॉल के नीचे जाने पर, और इस ऐप की AIF फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसे ही कमाल की वीडियोस। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।